अनूपपुर की बात करते हैं, जहां पे एसपी की गाड़ी में लगी बाइक सवार को टक्कर और हादसे में एक युवक की मौत हुई है। एक की हालत गंभीर बताई जा रही है, घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज चल रहा है। अनूपपुर से अमरकंटक जाने वाली सड़क पर यह हादसा पेश आया है। अनूपपुर में उस वक्त दर्दनाक सड़क हादसा पेश आया जब एसपी जितेंद्र सिंह पवार की गाड़ी से एक बाइक सवार को टक्कर लग गई। हादसे में एक युवक की दुखद मौत हो गई है, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, उपचार जारी है। यह हादसा अनूपपुर से अमरकंटक जाने वाली मार्ग पर ग्राम बैरी बांध के पास हुआ है। भीषण सड़क हादसा, देखिए गाड़ी का फ्रंट पोर्शन पूरी तरीके से डैमेज हुआ है। एसपी की गाड़ी से बाइक सवार को टक्कर लगी है। बाइक सवार एक शख्स की दुखद मौत हुई है, एक की हालत गंभीर बनी हुई है। अस्पताल में उपचार जारी है, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं अस्पताल में, जहां पे पुलिस फोर्स भी, जैसे ही पुलिस को जानकारी लगी, पुलिस के द्वारा घायल को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जिला अस्पताल में उपचार जारी है। आशीष ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। आशीष, कैसे यह हादसा पेश आया और क्या जानकारी इस पूरे एक्सीडेंट को लेकर? आशीष सेन, आवाज मिल रही है आपको? जी जी जी, कैसे यह एक्सीडेंट हुआ है और क्या जानकारी आप दे रहे हैं इस पूरे हादसे को लेकर? अनूपपुर पुलिस अधीक्षक अमरकंटक की ओर निकले ही थे, वहां से 2 किलोमीटर दूर एक बौरी बांध गांव पड़ता है, जिसमें सुमित जो बाइक सवार थे, सुमित और बहोरन, ये अनूपपुर की ओर जा रहे थे। अनूपपुर से महज 2 किलोमीटर दूरी पर ही अनूपपुर एसपी की गाड़ी आमने सामने मोटरसाइकिल पे भिड़ंत होती है, जिसपे मौके पर ही बाइक चालक बहोरन की मृत्यु हो जाती है और उनके साथी गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, जिसके इलाज के लिए जिला अस्पताल अनूपपुर पर भर्ती कराया गया है। आशीष, घायल की क्या स्थिति है और पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? मैं बता दूं कि घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और पूरे अस्पताल को चाक चौबंद व्यवस्था पुलिस वालों ने चारों ओर से घेर लिया है। मीडिया को पूरे इस मामले से दूर रखा गया है और पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। जी चलिए ठीक है, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। फिलहाल विस्तार से जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया।